हमारा इकबाल बुलंद रहे। हाल का दिलावर खान उस बागी गोबिंद सिंह की आखिरी खबर की है। हजूर, चंपावत इलाके तो शिकस्त खान तो बाद वो फिर इकल्ला नस्सन विच कामयाब हो गया है। हर वार इतो खबर सुनने मिलती है कि वो नस्सन विच कामयाब हो गया। पर हजूर, उसने सिख अपनी जाना वार के लिए उसकी रखवाली कर देने। ये भी एक पुरानी कहानी है। खैर, अगर उसके बच्चे काबू आ गए हैं तो फिर एक दिन वो भी काबू आ ही जाएगा। हाँ, उस गंगूला की कीता है। ओ, वो अपने इनाम की उड़ीक विच बैठा है हजूर। उसनु पेश कीता जावे। ओ, तू है गंगू। जी जी हजूर जी, मैं ही हाँ गंगू। आप जी दा वफादार, जिसने गुरु जी दे बच्चिया ते माता नू अपने कोल लखो के रखिया सी। जी, बागिया दी नजर तक नहीं पहन दिती इन्हां दे। हजूर, बच्चिया बारे इतला देना मेरा इखलाकी फर्ज से। ते ए कर्म करके मैं हुकूमत के नाल वफादारी निभाई है हजूर। वफादार मैं ना आप जी दा सच्चा वफादार, बिल्कुल सच्चा वफादार। पर तू तो गोबिंद सिंह के घर का वफादार सी, वफादार रसोईया। जी जी हजूर जी। हजूर, गंगू ने बहुत छेती समझ लिया है कि वफादारी सरकारे दरबारे निभाई जावे तां ही मुल कहता है। जी हजूर जी, तुसे बिल्कुल दुरुस्त फरमाया हजूर, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। खैर, तैनू इस वफादारी के बदले अब दरबार विच सारे के सामने इनाम दिते जाएंगे। तुहाडी इस रहमत लई मैं हमेशा तुहाडा वफादार रहांगा हजूर, वफादार। ते फिर कुछ दिनों बाद खुफिया तौर पर उसने मौत के घाट उतार दिता जाए। मौत के घाट? हाँ, मौत के घाट, जो शख्स उन्हें बच्चों के नाल नमक हरामी कर सकता है जिन्हें वो अपने हत्था के नाल पका पका के खाता है, वो एक जहरी कीड़ा है जिसका खत्म होना ही लाजमी है। अजिहे लोग किसी के वफादार नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह ही होनेगा हजूर, बिल्कुल इसी तरह ही। ये बच्चे का काबू आ गए हैं, इन्हां दी मौत लई कोई दिलचस्प तस्दीक पेश कीती। हजूर, मेरे ख्याल नाल नवाबे मिले कोटला ही बच्चियां दी मौत बारे सब तो वधिया तजवीज पेश कर सकदे हन। तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है दिलावर खान। नवाबे मिले कोटला जनाब शेर मोहम्मद खान साहब तो हाडे दुश्मन गोबिंद सिंह तो हाडे भरा खारिज खान अते निहाल खान की मौत का बदला लैण दा तुहाडे कोल अज सुनहरी मौका है। मेरे ख्याल नाल इन्हां बच्चों की मौत लई तुसी ही सब तो वधिया उठे प्यासे सन। ओह तां सानू साडे बच्चियां वर्गे लगते सन। बच्चे तां सत्ते सांझे हुंदे हन हजूर। नहीं, बागियां दे बच्चे बागी ही अखाउंदे हन अते तुसी बागियां दी मदद करके हकूमत दे नाल बगावत कीती है जिसकी सजा सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत।
एक शब्द से तेरी जान बख्शी जा सकती है जे तू इस्लाम धर्म अख्तियार कर लगेगा। माफ करना हजूर, जब छोटे छोटे बच्चे अपना धर्म नहीं छड़ सके तो फिर मैं किवें छड़ सकता हूं? बच्चे की मदद करके मैं कोई गुस्ताखी नहीं की। जो छोटे छोटे बच्चे अपने धर्म की खातर शहीद हो सकते हैं तो मैनू भी मौत स्वीकार है। तिलावर खान हमने मोती राम के उसके परिवार को जिंदा कोल्हू में पीर दिता जाएगा।